All videos of this channel is for education purpose only. We don't recommend any buy or sell, neither we provide any buy or sell tips. Risk trading will not be liable for any losses or profit directly or indirectly. User will solely and fully responsible for such transactions. Investing and trading is a risky business. Please consult your financial advisor before doing any trade. We are not SEBI registered. दोस्तों, रिस्को ट्रेडिंग की एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अपना आज का बैंक निफ्टी का ट्रेड एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर शून्य को लेकर आकर आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनको पता नहीं चला था कि PNL स्टेटमेंट कैसे शून्य से डाउनलोड करें, तो उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया। और जैसे और एक और सब्सक्राइबर थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि कमोडिटी सेगमेंट को कैसे ऐड करें शून्य में, तो उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दिया। वैसे ही अगर आपके मन में भी कोई भी कन्फ्यूज़न होना या फिर कुछ नहीं पता चल रहा कि कैसे क्या किया जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक और चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, आपने जो आज ट्रेड लिया हो ना, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। क्या होता है ना, उसे एक अलग का ना इंस्पिरेशन मिलती है, मैं भी इंस्पायर होना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं भी एक स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, आपके तरह मैं भी सीख रहा हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आज मैंने आप लोगों ने क्या ट्रेड लिया, उसका क्या आउटपुट रहा दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शून्य के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या ट्रेड लिया। तो दोस्तों आज मैंने ना दो ट्रेड लिए। पहला जो ट्रेड था ना, 45,400 का पुट लिया मैंने 68.35 रुपये में 10:37 में, और उसको स्क्वायर ऑफ किया दोस्तों 55 रुपये में। फिर दूसरा ट्रेड दोस्तों मैंने 12:15 में लिया 70.60 रुपये में, और उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया 50 रुपये में। तो चलिए पहले ना हम लोग चार्ट पे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्यों ये ट्रेड लिया, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी दोस्तों, और क्या गलती हुई मेरे से, ये भी मैं आज डिस्कस करूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चार्ट पे जाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आज का ये चार्ट है। तो दोस्तों मैंने जो ट्रेड लिया था ना, वो मैंने इस कैंडल पे लिया था। अब ट्रेड को लेने का पीछे यही रीज़न था दोस्तों, क्योंकि देख सकते हैं अगर आप यहाँ से कल का एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था इस जोन के आसपास आके, और अगर कल भी देखे ना, तो बार बार इस जोन में आके ये कर रहा था, एक तरह से देख रहे थे सपोर्ट ले रहा है, देख रहे इस जोन में आके पहले तो यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, फिर इस जोन को निकाला तो सपोर्ट लेने लगा एक तरह से। तो कहने का मतलब है तीन चीज़ें थी, एक तो कल का हिस्ट्री में इस जोन में सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, दूसरा एक जब ट्रेंड लाइन टाना तो वहाँ भी आपका एक रेजिस्टेंस ले रहा था, और तीसरा दोस्तों एक, चूंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो राउंड फिगर नंबर होता है वो अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, और चूंकि जो 500 और जो 1000 वाला होता है ना, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है दोस्तों। तो चूंकि यहाँ पे मैंने ना वीकनेस दिखा, मुझे थोड़ा बायर इंटरेस्टेड नहीं दिखा, तो मैं झट से यहाँ पे एंट्री ले लिया। हाँ थोड़ी अर्ली एंट्री हुई दोस्तों, लेकिन आज मार्केट को कुछ और मंजूर था, तो देखिए मेरा SL ले लिया। और मैं ना ट्रेड जब मुझे लगा कि मेरा ट्रेड गलत है, तो मैंने चुपचाप अपना पोजीशंस को स्क्वायर अप कर दिया दोस्तों। मैं ना मार्केट से नहीं लड़ा, और ऐसा ही करना चाहिए, ताकि आप अगर मैं मार्केट से लड़ता तो देखिए कितना बड़ा लॉस होता आज मेरा। और दूसरी बात है, ये जो ट्रेड लिया मेरा SL हो गया, अब मैं वेट किया, अपना सेटअप बनने का वेट किया, मैं वेट कर रहा था। तो जब इस जोन में देख सकते हैं, जब ये ट्रेड आया, दूसरा जो ट्रेड है ना, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दूसरा जो ट्रेड है वो लिया करीब 12:15 11 सेकेंड में। तो मैंने इस ट्रेड देख सकते, ये कैंडल 12:10 का है, तो हाँ ये 10 मिनट का स्टार्टिंग कैंडल है, मतलब 12:15 में ये कैंडल फॉर्म हो चुका था। तो चूंकि जो मेरा एक सेटअप है दोस्तों शूटिंग स्टार वाला, तो यहाँ पे मेरा एक सेटअप बन रहा था, तो मैंने एक एंट्री ले ली। दो कारण से ली, क्योंकि देख सकते हैं कल के ये जो ओपनिंग है वहाँ के आसपास एक जोन के आसपास चला गया था, दूसरा 45,700 का जो ये देख सकते हैं, जब ये कैंडल यहाँ पे 45,700 के थोड़ा सा क्रॉस की, देखिए कितना बड़ा एक रिटेलिएट किया मार्केट नीचे गया और यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया। तो मेरा यहाँ पे सेटअप दोस्तों फुलफिल हो रहा था, तो मैंने एंट्री ले ली,
और क्या हुआ, जब ये कैंडल छोटा छोटा बनने लगा ना, तो मुझे एहसास होने लगा कि मेरा यहाँ पे सेटअप फेल होगा आज। तो मैंने यहाँ चुपचाप जैसे इस जोन को हाई निकाला, मैंने चुपचाप अपना SL ले लिया और देखिए मार्केट कहाँ भागा आज। तो कहने का मतलब है अल्टीमेटली दोस्तों, आज मेरा दिन नहीं था, या कह सकते हैं आज मैंने अगेंस्ट ट्रेड लिया। तो आज ट्रेंडिंग था, अप ट्रेंड मार्केट था, और मैंने बार बार मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ खोजने लगा। तो यही कहने का मतलब है कि कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ना जाए। मैंने आज वो गलती करी, ट्रेंड के अगेंस्ट में गया। वो कहते हैं ना लोग कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो वो चीज़ मैंने आज फॉलो नहीं करी और उसका भुगतान मिला। तो देख सकते हैं आज का पोजीशन मेरा कितना का लॉस है। आज का पोजीशन अगर देखे तो मेरा देख सकते हैं ये टोटल मैंने 509 रुपये का लॉस किया। पहला जो ट्रेड था वो 200 का लॉस खाया था और दूसरा ट्रेड 309 रुपये का। खैर कोई नहीं, आज गलती से सीख मिली कि कभी भी हवा के विपरीत ना जाए। अगर ऐसी गलती दोबारा, मैं कोशिश करूँगा दोस्तों अपनी साइकोलॉजी पे इसको इनबिल्ट करूँगा और कोशिश करूँगा कि ये दोबारा मेरे से गलती ना हो। तो पहला जो ट्रेड था ये इस कैंडल पे था और दूसरा जो ट्रेड था ये इस कैंडल पे था। तो आई एम श्योर दोस्तों आज की ट्रेड एनालिसिस मेरी समझ आई होगी आपकी, कि आपको समझ आई होगी कि आज मैंने क्या ट्रेड लिया। और प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज आपने क्या ट्रेड लिया और आपका क्या आउटपुट रहा दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों।